पुण्य सलिला माँ नर्मदा के पावन तट पर बसी जवाली ऋषि की तपोभूमि आचार्य विनोबा जी की संस्कार धारी जबलपुर नगरी में मैं पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे सभी प्रमुख संत जनों का अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भगवान भोलेनाथ के परम भक्त, सनातन धर्म के पुरोधा के रूप में जिन्हें अपनी छवि पूरे हिंदुस्तान में बनाई, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मेरे सहयोगी जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, हमारे अपने जबलपुर के लाडले पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सोशल जस्टिस मंत्री आदरणीय भाई लखन गनगोरिया जी, मंचासीन विधायक भाई विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी और समस्त उपस्थित यहां पर जबलपुर जिला प्रशासन के अधिकारीगण जिन्हें इस महाकुंभ गौकुंभ को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, और सबसे आखिरी में पर सबसे महत्वपूर्ण हजारों और लाखों की संख्या में आने वाले मां नर्मदा और गौ माता के भक्त जो हमारे सामने खड़े हैं, मैं पूरे मंच की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय जगत गुरु श्यामदेवाचार्य जी महाराज को, जिन्हें हमें प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया कि मां रेवा के तट पर गीता धाम के सामने गौरी घाट में मां नर्मदा गौकुंभ होना चाहिए। उनकी यह सोच आज अपने आप में संस्कारधानी को एक धर्मधानी के रूप में पहचान दे रही है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस गौकुंभ के आयोजन के बाद पूरे हिंदुस्तान में। मैं उनको चरण वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको दीर्घायु रखे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। मैं सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और हम सब ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि यह अद्भुत नजारा इस मां नर्मदा के तट पर संस्कारधारी जबलपुर में देखने को मिलेगा कि जब धर्म सत्ता के साथ उनकी बात सुनने के लिए और कामकाज आगे कर बढ़ाने के लिए इस प्रदेश का राज सत्ता भी उपस्थित रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को पुनः कि आपने बार प्रशस्त किया कि हम इस भव्य मां नर्मदा गौकुंभ को यहां पे कर सके। जब हमने संतों की इच्छा, जगत गुरु महाराज की इच्छा के आपको बताई, तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पल का भी समय नहीं लिया और तुरंत इस बात की स्वीकृति दी कि मध्य प्रदेश के बजट में मां नर्मदा गौकुंभ को शामिल करो। हम तो इसको करेंगे, पर जब तक जो भी सरकार मध्य प्रदेश में हमेशा रहेगी उसको भी इसका आयोजन करना पड़ेगा। मैं साधुवाद और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं। ये मंच मिला है, मौका मिला है, तो मैं और कुछ बातें भी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसके लिए भी देना चाहता हूं कि आपने लाखों सनातन धर्म प्रेमियों की भावनाओं को समझते हुए अपने वचन पत्र में जो कहा था उस काम को शुरू किया, और वो काम शुरू किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन गमन पथ का, जो मध्य प्रदेश में जहां जहां वो गए थे उसकी आपने स्वीकृति दी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भोलेनाथ के महाकाल मंदिर के लिए उज्जैन के 350 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। मैं सनातन धर्म के सभी अनुयायियों की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको साधुवाद और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि वर्षों से माफिया ने पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो कब्जा करके दबाई हुई थी, आपने उसको मुक्त कराया और पशुपतिनाथ मंदिर को ट्रस्ट को वापस किया। मैं इसके लिए आपको धर्म प्रेमी जनता की ओर से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके समक्ष मैं धर्म प्रेमी जनता की एक भावना को भी रखना चाहता हूं, और आपको जबलपुर संस्कारधारी की जनता की ओर से भी धन्यवाद पहले भी एक बात के लिए और दे दूं कि पिछले बजट में आपने स्वीकृति दी थी और आपको आभास था कि नर्मदा गौकुंभ यहां पर होगा और इसके बाद दोबारा भी होगा तो यह स्थल भी छोटा पड़ेगा जो यहां पर था। तो आपने जो स्वीकृति दी थी मां नर्मदा के रिवर फ्रंट बनाने के लिए और 150 करोड़ रुपए की राशि का भी हमने उस पर प्रावधान किया था। मैं नर्मदा भक्तों की ओर से, संस्कारधानी की धर्म प्रेमी जनता की ओर से उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये कहा जाता है कि जब धर्म सत्ता बैठी हो
और राजसत्ता भी वहां उपस्थित हो और उसके शीर्ष नेतृत्व वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में, जब आप कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित हो और अगर हम वो हमारे पास आए हो और हम सबको मौका मिला हो और उनके सामने हम अपनी बात ना रखे और कुछ मांगे नहीं, तो ये उनका अपमान होता है। तो मैं तो एक कभी का आपका काम करने वाला नहीं हूं, हमारे द्वारा कभी उनका अपमान नहीं हो सकता। मैं जरूर आपकी बात को उनके सामने रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संत समाज की यह इच्छा है, हमारे संस्कारधारी के धर्म प्रेमी जनता की यह इच्छा है कि एक धर्म की प्रमुख शहर के रूप में जबलपुर को स्थान मिलना चाहिए। और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि मां नर्मदा का जो तट हमारे जबलपुर में दोनों ओर है उसका विकास होना चाहिए। और ये नर्मदा का जो तट गौरी घाट का पावन क्षेत्र है, मैं आपके सामने मांग रखता हूं कि इसको आप धर्म क्षेत्र घोषित करते हुए इसके लिए जरूर आने वाले बजट में अलग से एक राशि का प्रावधान करेंगे, जिससे हम इसको हिंदुस्तान के सर्वोत्तम धर्म स्थलों के रूप में विकसित कर सके। मुझे विश्वास है कि आपकी सहमति इस काम के लिए हमें जरूर मिलेगी। मैं आपको धन्यवाद भी मुख्यमंत्री जी इसलिए देना चाहता हूं कि इस मां नर्मदा के उस तट पर, सामने वाले तट पर आपने स्वीकृति दी कि हम पहला सिख समाज का एक महत्वपूर्ण संबंधित जो गुरुद्वारा है उसके साथ में शासकीय भूमि भी आपने आवंटित करने की घोषणा की और आपने 20 करोड़ रुपए की राशि भी यहां पर दी जो आपने घोषणा की, उसके लिए भी मैं आपको जबलपुर के सिख समाज की ओर से, संपूर्ण हिंदुस्तान के सिख समाज की ओर से और जबलपुर की धर्म प्रेमी जनता की ओर से धन्यवाद मुख्यमंत्री जी देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपका अति व्यस्त कार्यक्रम है और यहां जो हजारों की संख्या में हमारे धर्म प्रेमी लोग बैठे हैं वो आपको और हमारे जगत गुरु महाराज जी को सुनने के लिए व्याकुल आतुर है। एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, मुझे सौभाग्य मिला कि बहुत सारे संतों के दर्शन हुए जो इसलिए संभव हो पाया कि यहां नर्मदा गोकुंभ का आयोजन हुआ, तो उनने बहुत सारी समस्याएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी बताई और उसमें से एक प्रमुख संत हमारी जो समस्या मेरे को हमारे धर्मगुरुओं ने बताई, संतों ने बताई, सतना जिले के चित्रकूट से जो बहुत सारे महाराज यहां पर उपस्थित हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग यहां पर उपस्थित है, साधु समाज के लोग यहां पर उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनने मेरे सामने एक बात को रखा और मुझसे निवेदन किया कि जब आप यहाँ पर आज आपका आगमन हो रहा है तो आपके सामने इस बात को जरूर रखूं। उनने ये बताया कि कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर सनातन धर्म के जो चित्रकूट में है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। कई तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जहां श्री राम भगवान खुद वहां पर पधारे हैं, उनके समय से बने हैं, उनकी स्थिति कमजोर है, वो गिरने वाले हैं और वहां के संत समाज के पास में ये इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि उसको ठीक करा दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और इस बात पर विचार करेंगे और कोई ऐसा रास्ता संभव करेंगे कि उन मंदिरों का संगारण हो जाए और वो अच्छे से वापस अपने मूर्त रूप में आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी आपकी हम सब के लिए और धर्म प्रेमी जनता के लिए सौगात होगी, इसलिए बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नर्मदा गोकुंभ जो हो रहा है उन सब गौ प्रेमियों की ओर से जो गौ माता के रोज जयजयकार करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, कि आपने अपने वचन पत्र में जो बात कही थी कि सरकार बनने पर हम मध्य प्रदेश के हर कोने में हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे और आपने अपनी घोषणा को पूरा किया और उसका सबसे बड़ा परिणाम तो जबलपुर जिला है जहां पर 24 गौ माता की सेवा करने के लोग गौशालाएं बनकर तैयार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे साथ साथ ये साधु संत समाज की, जब हम गौ माता के लिए जो पहले नीति जो पैसा निर्धारित था वो 3 रुपए प्रति गौवंश दिया जाता था उनकी खुराक के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बढ़ाकर उसको 20 रुपए किया, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में हमारे संत समाज की अपेक्षा है कि गौ माता के रक्षा के लिए आगे और बहुत सारा काम होना चाहिए। मुझे कल सौभाग्य मिला पचपेड़ा से आए हुए महंत जी के आशीर्वाद लेने का और उन्हें बहुत अच्छी कुछ बातें मुझे बताई और हमारे सामने रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखें, जरूर मैं भोपाल में वो प्रस्ताव बना कर लेकर आपके सामने आऊँगा और मुझे विश्वास है कि आपकी स्वीकृति मिलेगी और गौ माता की रक्षा जिस प्रकार से करने का संकल्प आपने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है, उसको पूरा करने में हमें उनका सहयोग भी मिलेगा। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ सामने बैठे हजारों लोगों को जो आप दूर दूर से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, माँ नर्मदा के दर्शन भी कर रहे हैं, हमारे संतों के आशीर्वाद भी ले रहे हैं और पूजा अर्चन भी कर रहे हैं और हमें संवाद आज मिला कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। मैं उनकी ओर से
मध्य प्रदेश की संपूर्ण सरकार की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आगमन जबलपुर लगातार होता रहता है। हमने एक बात कही थी, जब इस बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि मैंने हमारे अध्यात्म मंत्री, विभाग के मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी यहाँ पर कुंभ में आए थे, उनने हमारे संतों का आशीर्वाद भी लिया और उनके सामने हमारे संत समाज ने एक बात रखी थी कि जो राम गमन पथ बन रहा है उसकी एक वृहद बैठक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में अगर संस्कारधानी जबलपुर में हो और हमारे संतों को भी उसमें शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपसे, मुझे विश्वास है कि आप इस बात की भी घोषणा करेंगे कि ये अगली बैठक जो राम गमन पथ को लेकर होगी तो वो जबलपुर में और इसी कुंभ स्थल पर होगी जहाँ पर हमारा माँ नर्मदा गौ कुंभ सम्पन्न होने जा रहा है। आज आपकी उपस्थिति में मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिला प्रशासन का, जिससे लगातार 10 दिन यहाँ पर मेहनत करके इस माँ नर्मदा गौ कुंभ को पूरा करने में अपना सहयोग दिया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।